नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन से है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। कहा गया है कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, आर वन इज इक्वल टू 1 मीटर, आर टू इज इक्वल टू 2 मीटर एंड मासेज एम वन एंड एम टू रेस्पेक्टिवली। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द स्फीयर वन एंड टू आर शोन, फाइंड रेशियो एम वन बाई एम टू। तो देखेंगे यहाँ पर ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड रखा गया है ना, और ये डिस्टेंस है। तो दो ग्राफ दिए गए हैं, स्फीयर टू के लिए ग्राफ ये है रेड कलर वाला, और स्फीयर वन के लिए ग्राफ ये है ब्लू कलर वाला। ठीक, तो हमें इनके मास का रेशियो बताना है। हमें पता है कि ये जो पीक आता है ये आता है सरफेस पर, है ना। कोई भी सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस अगर आर ले लिया जाए, इसका मास एम ले लिया जाए, है ना, तो इसके सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है जी एम बाई रेडियस का स्क्वायर। तो अगर हम लोग दूसरे वाले स्फीयर की बात करें, दूसरा वाला जो स्फीयर है इसके सरफेस पर देखेंगे 3 दिया हुआ है, है ना, तो ये आएगा जी एम टू डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। तो दूसरे वाले का रेडियस 2 मीटर दिया गया है ना, तो रेडियस का स्क्वायर, और ये जो फील्ड दिया गया ये दिया गया है 3। उसी तरह से पहला वाला स्फीयर के लिए जी एम वन बाई रेडियस का होल स्क्वायर, रेडियस इसका 1 मीटर दिया गया है पहले वाले स्फीयर का, है ना, और इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे सरफेस पर वो दिया गया है 2 यूनिट, है ना। तो अगर हम लोग इनका रेशियो निकालें यहाँ पर, तो ये आएगा एम टू बाई एम वन, है ना, एम टू बाई एम वन, या ऐसे कर लेते हैं, पहले यहाँ से जी एम टू निकाल लेते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ से जी एम वन निकाल लेते हैं तो ये तो 2 ही रह जाएगा। अब इनका रेशियो निकाल सकते हैं, है ना, हालांकि रेशियो पूछा गया है एम वन बाई एम टू, तो हम लोग जी एम वन डिवाइडेड बाई जी एम टू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/12 यानी कि 1/6, जी जी कैंसिल, तो एम वन बाई एम टू ये आ जाएगा 1/6। तो देखेंगे यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में रेशियो 1/6 दिया गया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है।